हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? आइए हम देखते हैं, इसको शॉर्ट विधि से सोल्व करेंगे। देखो, 10% की कमी होने पर वो कितनी चीनी अधिक खरीदती है? 6.2 kg, यानी कि 10% की कमी हुई तो चीनी खरीदती है वो 6.2 kg। अब हम देखो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 100% की वैल्यू आ जाएगी। और इसको भी हमको किससे करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो यानी कि पूरे रुपए में 62 किलो चीनी खरीदती थी वो। ये इतनी बात समझ में आ गई? अब पूरे रुपए में 62 किलो चीनी खरीदती थी तो 62 किलो का 100% कितना था हमारे पास? 100% था हमारे पास 1116, यानी कि 1116 रुपये। तो 1 किलो चीनी का पूछा गया तो 1 किलो चीनी का कितना आ जाएगा? हमारे पास आएगा 1116 रुपये 62 बटे में। इसको हम कट करेंगे तो इसको कट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास? 18। तो दोस्तों हमारे पास आएगा 62 + 62 + 16, यानी कि 18 आ गया दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कि घटने के बाद चीनी का मूल्य क्या हो गया? 18 आ गया दोस्तों। यही क्या हमारा आंसर?